सीकर के एक निजी होटल में मामूली सी कहासुनी को लेकर दोस्त की हत्या करने का मामला सामने आया। दरअसल नेपाल का रहने वाला जगदीश और उसका दोस्त भरत रेलवे फाटक के पास एक निजी होटल में काम करते थे। मंगलवार की रात को मामूली सी कहासुनी को लेकर जगदीश ने भरत की हत्या कर दी और शव को पानी के टैंक में फेंक दिया। बुधवार को जब होटल के मालिक को घटना का पता लगा तो उसने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने भरत का शव बाहर निकलवाया, साथ ही जगदीश को गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। एक मर्डर हो गया तो दोनों जो मृतक है और एक बंदे को जिसको यहाँ से डिटेन किया है, जो कह रहा है कि उसने किया है अपराध, दोनों ही नेपाल के निवासी हैं। आगे की जांच जारी है, जांच होने के बाद बातें क्लियर होंगी।